हिंदुस्तान में सोशल जस्टिस की लड़ाई है वो हम हार रहे हैं। मीडिया सिस्टम इन इंडिया, सॉरी टू बी ब्लंट, इज ए पॉलिटिकल ब्लैकमेलिंग सिस्टम टू गेट मनी। इलेक्शन प्रोसेस पर लोगों का बहुत अविश्वास है। द एंटायर हैज बिकम टूलकिट ऑफ मीडिया एंड नोबडी इज स्पीकिंग अबाउट इट एंड पीपल आर प्रोटेस्टिंग ऑन स्ट्रीट्स। You can only defeat Modi ji, and the caste census is the antidote for OBC, SC, ST and minority. दलितों और बैकवर्ड्स की हजारों समस्याएं हैं। एवरी इंस्टीट्यूशन इज कैप्चर्ड बाय आरएसएस। तो ये पॉलिटिकल लड़ाई है और चूंकि हम लोग ऑलरेडी अब बैटल फील्ड में हैं, पॉलिटिकल बैटल फील्ड में। जिस तरीके से दिल्ली विश्वविद्यालय में एक लड़ाई चल रही है, क्योंकि नहीं किसी को सपोर्ट मिल रहा है ना सहारा मिल रहा है। जो लोग 22-22 14-14 15-15 साल से पढ़ा रहे हैं उनकी थाली से निवाला छीना गया। जिन लोगों के अंदर टैलेंट है उनको निकाल के सिर्फ कैडर भरा जाता है। पूरी मुहिम चल रही है नौकरी नहीं न्याय चाहिए। नौकरी के लिए तो मुझे आए दिन ऑफर कर रहे हैं, आए दिन की आपको दे देंगे, चुप हो जाओ, केस वापस ले लो, ये तक दीन ने मैसेज पहुंचाया। लेकिन मेरी मुहिम में नौकरी नहीं न्याय चाहिए, क्योंकि न्याय यहां पे मिलेगा नहीं, क्योंकि आरएसएस का कनेक्शन है। अब क्या है सर, ये जो कास्ट सेंसस है, अब ये कास्ट सेंसस को क्यों लोग रहे हैं कुछ ताकतें? टू बी वेरी फ्रैंक, द प्रेजेंट गवर्नमेंट, कास्ट सेंसस से एक्सरे हो जाएगा, पता लग जाएगा कौन क्या है, और मुझे भी पता लगेगा अरे मैं तो एक्चुअली मैं शूद्र हूँ, मुझे भी पता लगेगा। और वोल्टेयर जो था फ्रेंच रिवॉल्यूशन का, मैंने उसको पढ़ा, वो कहता था कि सिर्फ गुलाम को इतना बता दो कि वो गुलाम है, वो अपनी बेड़ियां खुद तोड़ लेगा, एक बार उसको पता लगने की जरूरत है, अदरवाइज ही इज एंजॉयिंग स्लेवरी। मैं तो कावड़ उठा के जा रहा हूँ, मेरे ऊपर फूल बरस रहे हैं हेलीकॉप्टर से, आई एम सो हैप्पी अबाउट इट। सबसे पहले मेरे मुताबिक हम सबको ये एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि जो हिंदुस्तान में सोशल जस्टिस की लड़ाई है वो हम हार रहे हैं। मतलब जो हमारा मेथड है सक्सेस नहीं पा रहा है, हम रिग्रेस कर रहे हैं, पीछे जा रहे हैं, आगे नहीं जा रहे। एग्जैक्टली, लास्ट 10 ईयर्स में पता लगने लगा है कि एक्चुअली हार रहे हैं। धन का कितना शेयर, पावर का कितना शेयर, किस प्रकार से हिंदुस्तान की आबादी में डिस्ट्रीब्यूटेड है, और अगर हम उसको देखें तो वो बैकवर्ड जा रहा है। ये जरूर कह सकते हैं कि हाँ, जो दलित कम्युनिटी है, जो ओबीसी कम्युनिटी है, उसने सोसाइटी में ज्यादा रिस्पेक्ट पा ली, वो हो सकता है, उसको मैं मानने के लिए तैयार हूँ, बट पावर नहीं पाया। 99% रिसोर्सेज मेरे हाथ में, 1% रिसोर्सेज हाथ में, आई डोंट सी दैट एज विक्ट्री, आई सी दैट एज डिफीट। आप इंडिया के टॉप कॉर्पोरेट्स को देख लीजिए, आप इंडिया के लीगल सिस्टम को देख लीजिए, आप मीडिया सिस्टम को देख लीजिए, आप एनजीओ सिस्टम को देख लीजिए, आप कोई भी सिस्टम देख लो, यू लुक एनीवेयर, यू विल नॉट फाइंड दैट। मेट्रोसिटी इज ग्रोइंग डे बाय डे, स्पेशली अगर दलित एंड ट्राइब्स, राइट? सो फर्स्ट थिंग टू अंडरस्टैंड इज वी आर लूजिंग नॉट विनिंग। सेकंड थिंग टू अंडरस्टैंड इज देयर आर कॉजेस फॉर अस लूजिंग, बट दिस इज मच मोर अ बैटल ऑफ द हिस्ट्री and the spirituality of the weaker people in India. Election process par logon ka bahut avishwas hai. The entire has become toolkit of BJP and nobody is speaking about it and people are protesting on streets. Politics se pehle pura jo structure hai wo mind par attack karta hai, uske baad politics aati hai, uske baad sab kuch aata hai, pehle wo mindset pe attack karta hai. Rewriting religion, rewriting history, rewriting culture, rewriting everything. So you have a person who does not have any where to put his hands and his legs. He does not know where he is situated. How best to describe this? अब अगर आप हमारे सिस्टम को देखें तो आप इमेजिन करें, ब्लैक व्हाइट नहीं है, बट जो व्हाइट लोग हैं उनके पास एक्सरे वाले चश्मे हैं, उनको दिख जाता है, और जो डिस्क्रिमिनेट हो रहे हैं उनको एक्चुअली पता भी नहीं लगता कितना किस प्रकार से डिस्क्रिमिनेशन है। सो इट इज ऑलमोस्ट हिडन अपार्थाइड, स्ट्रक्चर्ड, इट्स वर्स देन अपार्थाइड। जिस पे डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है उसको पता लग रहा है कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, बट क्या प्रॉब्लम है और किस एक्सटेंट की प्रॉब्लम है, कितनी प्रॉब्लम है, उसको नहीं समझ आ रही, और वो इमेजिन भी नहीं कर पा रहा है इस देश की फेयर भागीदारी होनी चाहिए उस दुनिया को, वो इमेजिन भी नहीं कर पा रहा। टास्क इज फर्स्ट टैलेंट भैया, ये आपकी हिस्ट्री है, ये आपका स्ट्रक्चर है। इंडिपेंडेंस मूवमेंट किसके खिलाफ था? ब्रिटिश के खिलाफ था, राजाओं के खिलाफ था, राजा कौन थे, क्या कर रहे थे, वो पूरी हिस्ट्री उड़ा दी। प्रीवी पर्स क्या था, बैंक नेशनलाइजेशन क्या था, ग्रीन रेवोल्यूशन क्या था, ये तो मॉडर्न हिस्ट्री है। उससे पहले आप जमीन ही नहीं खरीद सकते थे, आपको हिंदुस्तान में आपको जमीन का राइट ही नहीं था,
नाम नहीं रख सकते थे, नाम नहीं रख सकते, तो ये सारा उड़ा दिया है। Also, most of the OBC tribes को तो notified criminal tribe में ला दिया गया British time में। Point is, in my view, challenge is one of information. Task is also one of situational awareness. कि मैं यहाँ बैठा हूँ और मेरी history ये है और मेरा future ये है. And then of course task is political and social and economic. But without giving clear structure in time and space, तो we have to expand that ये 3000 साल की लड़ाई है. नहीं, 70 साल में जो हुआ दलित मिडिल क्लास का फॉर्मेशन हुआ, पैंट शर्ट टाई पहना, और जब हमारा जनरेशन पहला टीचिंग में है जो कंटेस्ट कर रहा है उस हिस्ट्री को, उसका कॉस्ट हम लोग पे कर रहे हैं. प्रिसाइज़ली वी आर कंटेस्टिंग, दैट इज व्हाई प्रमोशन डिनायल है, केसेस हैं, चार चार पांच पांच मुकदमे हैं. बट वी हैव टू डू दिस बिकॉज वी बिलीव ये हमारी पर्सनल लड़ाई नहीं है. 3000 साल की जो लड़ाई है धर्मशास्त्रों में, वो लड़ाई लड़ी जा रही है. पहला जनरेशन दलित इनको क्वेश्चन कर रहा है आरएसएस आइडियोलॉजी को, मनुस्मृति की आइडियोलॉजी को. वो टेंशन यहाँ पे है. इट इज नॉट द क्वेश्चन ऑफ प्रमोशन, इट इज नॉट द क्वेश्चन ऑफ अपॉइंटमेंट. दे आर कंट्रोलिंग द प्रेजेंट. सो इट डजंट मैटर कि भैया आपके 3000 साल के है, 10000 साल के, 50000 साल के, कंट्रोल प्रेजेंट कंट्रोल कर रहा है. सो इट इज ए फाइट फॉर द प्रेजेंट. यस, मेरी दादी जो थी वो बच्चे पैदा करवाती थी, मैं उस कमिटी को बिलोंग करता. तो वो काम एक डॉक्टर करता है, वो कहते हैं खुदा है, भगवान है. लेकिन वही काम गाँव में एक दाई करती है, हमारी दादियाँ करती हैं, तो वो अनटचेबल कहलाती है. ठीक है, कास्ट हम बहुत बदल नहीं सकते हैं अभी, उसकी बहुत लंबी लड़ाई है. लेकिन इकोनॉमिकली अगर हम फिक्स कर दें कि भाई 10000 दोगे तब हम तुम्हारे बच्चे पैदा करवाएंगे, तुम्हारे आएंगे, जैसे डॉक्टर लेता है. ये क्रिटिकल शब्द हैं, ठीक है, जिनको मैनिपुलेट किया जाता है. मैं आपको उदाहरण देता हूँ. हमारा यूपीए टाइम में स्किल डेवलपमेंट मिशन था, रामदुराय, उसको इंचार्ज कर दिया स्किल डेवलपमेंट. तो वो मुझसे मिलने आया, वो कहता है राहुल जी हम स्किल डेवलपमेंट कर रहे हैं. मैंने कहा कैसे करोगे? कहता है राहुल जी हम ITIs बना रहे हैं, सेंटर्स बना रहे हैं, उसमें हम कारपेंट्री सिखाएंगे, हेयर कटिंग सिखाएंगे, ये सब सिखाएंगे. आई सेड इंडिया में देर इज नो स्किल प्रॉब्लम, देर इज अ सर्टिफिकेशन प्रॉब्लम. और मैंने उससे कहा देखिए आप ऐसे करिए, आपको कितने नाई चाहिए? 10 लाख नाई चाहिए ना. आप ऐसे करो, हिंदुस्तान के सब नाई के पास चले जाओ. आप उनसे कहोगे भैया एक नाई को ट्रेन करने के लिए हम आपको 500 रुपये दे रहे हैं, 1000 रुपये दे रहे हैं. जब आपने इस नाई को ट्रेन कर दिया, आप इसको हमारे सर्टिफिकेशन सेंटर में भेज दो, हम उसका सर्टिफिकेशन कर देंगे, उसको ठप्पा दे देंगे. आपके पास 10 लाख नाई 6 महीने में हो जाएंगे. उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि इंडिया में स्किल नहीं है और हमें स्किल डेवलप करना है. कारपेंटर्स में स्किल की तो कोई कमी नहीं है, पेंटर्स में स्किल की तो कोई कमी नहीं है, स्किल बेस्ड सोसाइटी. तो शब्द को बदलो ना. आप अगर मोची है तो उसी में बंधे रहिए, देश सब चलाना आपका काम नहीं, वो हम करें. और मोर इम्पोर्टेंट, जो ट्रेनिंग का पैसा जा रहा है उस नेटवर्क को दो ना, वो कहीं और जा रहा है. जैसे मीडिया में हम लोग आमतौर पे देखते हैं दबंगों ने दलितों के साथ ये किया, तो ये जो फैक्टर है ना, ये मीडिया में भी जो बैठे हुए लोग हैं, जिसकी बात आपने कुछ दिन पहले भी कही थी कि तुम्हारा संपादक कौन है या फिर कितने लोग हैं, कुछ चुनिंदा लोग हैं, एडिटर तो कोई भी नहीं, वो डराता है आप अगर ये करोगे तो आपके साथ ये नहीं. मीडिया सिस्टम इन इंडिया इज नॉट अ मीडिया सिस्टम, सॉरी टू बी ब्लंट, इज ए पॉलिटिकल ब्लैकमेलिंग सिस्टम टू गेट मनी, एंड इन दैट ब्लैकमेलिंग सिस्टम यू हैव नो प्लेस. छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट इज गिविंग 1000 crores टू मीडिया पीपल, राइट? इट इज गोइंग डायरेक्टली फ्रॉम द बजट कॉल्ड एडवर्टाइजिंग इन टू 10% पीपल्स हैंड्स, एंड दे आर यूजिंग दैट टू पुट प्रेशर ऑन देम टू गेट मोर बिजनेस. दैट्स मीडिया. बाबा साहब और नेहरू जी का जो एक रिलेशन है और दोनों ने मिलकर जो काम किया ना, हमें उसको थोड़ा प्रचारित करने की जरूरत. व्हाट कांग्रेस एंड गांधी डिड फॉर अनटचेबल, उन दोनों ने मिलकर क्या किया? ये जो फ्रेम है ना, ये डेंजरस फ्रेम है, ये बीजेपी का फ्रेम है. इट इज नॉट दैट गांधी डिलीवर्ड द फ्रीडम मूवमेंट, इट इज नॉट दैट अंबेडकर डिलीवर्ड द कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज नॉट दैट नेहरू डिलीवर्ड इंस्टीट्यूशन, इट इज दैट दे वर इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ पीपल. द बीजेपी पोजिशनिंग, ये देखो ये भगवान है, ये भगवान है, ये भगवान है, ये भगवान है. आर पोजिशनिंग इज भगवान कैसे बना, उसके पीछे कौन खड़ा था, उसकी बात करो ना. Kanchiram is nothing without Dalit expression. Without his constituency. Why are we forgetting his constituency? Yes. If I am saying I want to help with caste census, what am I without 90% of India? Rahul Gandhi is the expression of these people. You can only defeat Modi ji. You just remember it. And the caste census is the antidote for OBC, SCST and minority. You remember it. You have become the voice of the country. Just move ahead. Take certain people from OBC, SCST, minority communities, wherever their pockets are, on the route, keep them there, and they will address, you are the hero, you are the champion.